रिंकू भैया के बड़े भाई के साथ में सोनू भैया, ये हमारे रिंकू भैया के कोच हैं जो। सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ हमारे बड़े भैया संदीप भैया खड़े हुए हैं, और आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, जो एक दो ब्लॉग पहले आया था, इनकी लाइब्रेरी है, इन्होंने अपना पूरा इंट्रो दिया था। तो आज इनके साथ हम फिर से आए हैं उस ग्राउंड में जहाँ से रिंकू भैया ने अपनी शुरुआत की, जहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की, और कुछ दिन पहले भी यहीं थे। तो अभी हम आपको पूरा ग्राउंड दिखाएंगे, और जो बच्चों के लिए उन्होंने हॉस्टल बनाया है वो भी दिखाएंगे भैया, और किस किस से मिलवाएंगे बता दीजिए। हाँ, हम रिंकू सिंह के कोच से भी मिलेंगे, जिन्होंने उनको कोचिंग दी, कैसे उन्होंने रिंकू सिंह को तैयार करा, साथ ही साथ जिन्होंने एक अर्जुन सिंह फकीरा चाचा जी, जिन्होंने उनका पूरा सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट, उनका आने जाने के खर्चे वर्चे जो भी उन्होंने पूरा बहन किए, उनसे भी बातचीत करेंगे कि रिंकू सिंह की उनकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई और कैसे उन्होंने उनको सहयोग किया। और कुछ बच्चों से रिव्यूज भी ले लेंगे जो रिंकू भैया से मिले हैं। तो गाइस सभी चीजें दिखाते हैं, तो साथ ही साथ यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये उन बच्चों से भी मिलवाएंगे, देख सकते हैं, दिखाएंगे। आप देख रहे हो कितनी अच्छी संख्या में यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, और ग्राउंड्समैन ग्राउंड्स पे अपना पिच को कवर करते हुए देखे जा सकते हैं। और यही ग्राउंड है भैया जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एपीएल हुआ था, है अलीगढ़ प्रीमियर। और एक और बात बता दूं मैं, जिसमें भैया ने कमेंट्री की थी काफी अच्छे कमेंटेटर हैं भैया हमारे तो अभी भैया के साथ घूमते हैं पूरा ग्राउंड और दिखाते हैं आपको हॉस्टल, मिलाते हैं आपको बड़े बड़े लोगों से जिन्होंने पूरी हेल्प की भैया की, रिंकू भैया की। आइए चलते हैं। तो गाइज अभी हम घूम रहे हैं ग्राउंड में, भैया दौरा कर रहे हैं पूरे ग्राउंड का। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्राउंड है, मतलब यहाँ पर अभी एपीएल होकर चुका है कुछ दिन पहले, काफ़ी बड़े रूप में बना हुआ है। जहाँ पर इस ग्राउंड का जो मतलब जो एपीएल का उद्घाटन किया था वो भी रिंकू भैया ने किया था, और जो वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी चली गई है वो वाली वीडियो भैया जी। हाँ बिल्कुल, और फिर भैया जी के साथ में एक वीडियो आई थी, हम रिंकू भैया से मिलने आए थे सेकंड टाइम, तब भी वो वाली भी वीडियो करीब काफ़ी 1 लाख व्यूज होने वाले हैं उस पर अभी, और जो पहली वाली वीडियो उस पर तो 6.5 लाख हो चुके हैं। हाँ, और हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं ना, उनको हम बिल्कुल करीब से चीजों को दिखाएंगे। हाँ, रिंकू सिंह की शुरुआत कैसे हुई, रिंकू सिंह किस हालात में थे जब उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की, कैसे इन लोगों से मिले जिन्होंने सपोर्ट किया, वो सारी जर्नी आपको शुरुआत से दिखाएंगे, आपको एक एक चीज क्लियरली दिखाएंगे कि वास्तव में रिंकू सिंह का जो सफर है कितना संघर्षमय रहा है, सारी चीजें आप देखें। तो भैया आज हम इसलिए टाइम निकालकर हम भैया के साथ में आए हैं क्योंकि भैया को जानकारी है, मुझे इतनी अभी यहाँ की जानकारी नहीं थी। तो भैया ने बोला कि मैं चलूंगा, भैया का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया मेरे साथ आने के लिए क्योंकि आप सभी को ही पता है ये संडे का दिन ही मिलता है मुझे जो यहाँ आने के लिए, और संडे के दिन हम आए भैया के साथ में, भैया की लाइब्रेरी है, भैया बहुत बिजी शेड्यूल है भैया का, लेकिन फिर भी मेरे साथ आए, थैंक यू। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे छोटे भाई की तरह हो, और आप जब भी हमें याद करोगे हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि हमारा इस पूरे उसको ब्लॉग को दिखाने का उद्देश्य है कि रिंकू सिंह की शुरुआत कैसे हुई, रिंकू सिंह की वास्तव में जर्नी कैसे रही। लोग कहते कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला, पैसे की वजह से क्रिकेटर नहीं बन पाए, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। हम दिखाएंगे कि वो संघर्ष कैसा रहा, खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं दोनों टाइम, और इतनी संघर्षमय स्थिति में एक बंदा क्रिकेट से लेकर के उस पूरी दुनिया में छा गया, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, और रिंकू सिंह का डंका बज रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैसेज है जो क्रिकेट को खेल रहे हैं, और ये बहाना ना बनाए कि पैसे की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर टैलेंट है, तो वो छुप नहीं सकता, कई लोग आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। बिल्कुल, सपोर्ट करने लिए तो देखिए, सपोर्ट उन लोगों का होता है जिनके अंदर कुछ होता है, सही बात है, जिनके अंदर टैलेंट नहीं है वो सपोर्ट के लिए घूम रहे हैं, तो अपने अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालिए, सपोर्ट करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। देखो एक बार मैं फिर से आपको एक बार ग्राउंड का व्यू दिखा दूं, ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, और अभी हम आपको उनसे भी मिलाएंगे जो सपोर्ट की बात चल रही है, जिन्होंने सपोर्ट किया भैया का, जिन्होंने हर तरह से भैया को सपोर्ट किया, आज हम उनसे ही मिलाएंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे जो अभी ग्राउंड में ही हैं, और आज उनके हम कोच से भी मिलाएंगे, और आपको हॉस्टल भी दिखाएंगे जो हॉस्टल भैया ने बनवाया है मतलब बच्चों के लिए। तो गाइस बने रहना इस ब्लॉग में। तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर जो अकेडमी चलती है, और कोच साहब से भैया मिले अभी, और हमारे जो आ चुके हैं कोच साहब हमारे, और जी कैसे भैया जी? ये हमारे रिंकू भैया के कोच हैं जो जिन्होंने भैया को छोटे से लेके पूरा आगे तक किया। तो भैया
सो गाइज अभी हम हैं सोनू भैया के बड़े भैया के साथ में, मतलब रिंकू भैया के बड़े भैया के साथ में, सोनू भैया। तो इन्हें सब जानते होंगे, काफी ये भी चर्चित नाम है अभी अलीगढ़ के हैं, और हमारे साथ संदीप भैया हैं। तो अभी हम सोनू भैया के संग कहाँ जाना है भैया का बता दीजिए। ठीक है, सोनू भैया के साथ हम आपको हॉस्टल को दिखाएंगे जो रिंकू सिंह ने हॉस्टल बनाया है। उस हॉस्टल को हम बारीकी से दिखाएंगे कि हॉस्टल कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं, कितने बच्चों के वहाँ ठहरने की व्यवस्था है, और वो जो हॉस्टल का उद्देश्य क्या है, है ना। और जितना भी यहाँ पे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं और जो भी यूपी के किसी भी जिले से यहाँ पे क्रिकेट खेलने आ रहे हैं या अपना कैरियर क्रिकेट में देख रहे हैं, वो अलीगढ़ एक छोटा नाम नहीं है। जब से रिंकू सिंह ने 6 छक्के लगाए हैं तब से अलीगढ़ का नाम पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सही बात है। तो रिंकू सिंह के बड़े भाई हमारे साथ हैं, उस हॉस्टल को करीब से दिखाएंगे कि हॉस्टल में कितने कमरे बने हुए हैं, हॉस्टल में क्या क्या व्यवस्थाएं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो हॉस्टल की व्यवस्था की गई है उसके में इनके जो रिंकू सिंह है उनके बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है, वो हमारे साथ चलेंगे और हम आप चलिए भैया जी। तो अभी हम चल दिए हैं भैया जी के साथ में और वो अभी हमें दिखाएंगे हॉस्टल के जो कैसे कैसे क्या क्या है। देख सकते हैं अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा अकेडमी है यहाँ पर। तो बस मिलते हैं आगे। तो गाइज अभी ये पहले तो मिला दूं हमारे विनीत भाई, काफी दिनों बाद मिले हैं, हाथ मिला लीजिए आप। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये रिंकू भैया के भी काफी अच्छे दोस्त हैं, है ना, साथ पढ़े तो चलो दिखाते हैं आपको, हॉस्टल दिखाते हैं पहले। ठीक है, मिलता हूँ ये हमारे सोनू भैया, अभी करके दिखाएंगे यहाँ।